किस तरह बीमार होगी तू, जमा ठीक थी? ए बेटी, पिल्स लेने गई थी और बढ़ना तो चला गया काम पे, पर छोट ना जाओ को नहीं। अरे ना मेरा हवा लाग गई, कौन दिखा के लेके आओ बता। ये तो क्यों जागा, इन तो नोट गिरा दे तू बड़ी आले, फिर तो चले जाई आगे हो गए। ए क्या मैं नोट देऊं इन, मेरे दो रहे है पिल्स ना। माँ चिंता ना कर, आऊंगी फिर मैं। और तू ना आओगी तो मुझे कौन दिखा कर लेकर आओगा? अच्छा बात भी ठीक का है। हाँ। ठीक सा समाज दे आऊंगी, बीमारी घने दिन रहेगी तो घनी है बढ़ेगी, कम तो नहीं कोनी। ए आ जा तू जल्दी करके। ठीक से आऊंगी, छोटा मोटा काम निपटा लू ई भाई, बस मैं के कोई घनी दूर थोड़ी हूँ। आ जा बेटे। ठीक सा दिखा के लानी पड़ेगी माँ। ये भगवान झंडा हो गया। माँ हाँ चल दवाई दवा लाऊं तने। मैं आप ले आऊंगी, मैंने थारी हमदर्दी की जरूरत ना से। आप क्यों कर लिया होगी, बुखार चढ़ा, चल मैं गैल चल पड़ोसू। रहन दे, मैंने बेदा है तने के मतलब से। मतलब क्या होता माँ, तू बीमार रही यो ही मतलब से मैंने तो। चल खड़ी हो ले। हाँ लागेंगे 200 और बताओगी 500, तुमने मेरी जरूरत को नहीं, नोटा की जरूरत से। माँ हमने तेरी है जरूरत से, और चल तेरा बहम से ना न्यू करिए, दवाई लेके ना और खुद दे पैसे दे दिए, चल खड़ी हो ले। ए बहू मैं कौन जाऊँ ये जोड़े हाथ, जा अपना काम कर ले, आज ये दवाई दवाना रही बने से। आए माँ बुखार चढ़ गया और खास खास कह दे गला छोल लिया और तबीयत खराब हो जाएगी, मान ले मेरा कहना, चल। मेरी होगी ना, तेरी को नहीं हो ना, जा काम कर अपना, मैं आप संभाल लूंगी अपने। ठीक से माँ, ना मानने तो मैं क्या कर सकूंगी। ना मानने तो तेरी मानूंगी मैं, तू ये चलाओगी अपनी चौधर उ नू थोड़ी चलन दूंगी। मेरी छोरी आज तो वही दिखा के लेकर आओ मैंने। अरे उठ बड़ा हो के, ये बाल का जो फटिया खेल रहा है छोड़े ने। हाँ मेरा बैठ तो तोड़ दिया, ये फट्टी भी ना छोड़ दो। के करो थम दो नूर है कि मिना कर रहे बैठे हैं बस। मैंने कहूं थी माँ की आसन को नहीं जाओ, दवाई दवा ले आओ। भाभी थार जान का कोई फायदा को नहीं, प्रिया दोरा फोन करो, उसका है बिना माँ की दवाई लेने जाएगी। अरे ओ फिर के बड़ी बात होगी, वह तो फैमिली की मेंबर से है। अच्छा हाँ फैमिली मेंबर वाला तन्ना भाई, उससे क्यों चिढ़ है भाई तन्ना, कोई बुझे तो। भाई मैंने चिढ़ना है पर एक बात बता, सारी चीजा हम छोरी नहीं इन्वॉल्व करे, अच्छी बात सके कुआरी होंदी तो बात नहीं आ रही थी, ये ब्याही थे ही सवा। तो ब्याही थे ही है ना, तो तेरे तो बात जानकारी उसने समझा। किसी बात करो लड़ाई पाछे कर लियो, जाओ ले जाओ। कोने जावे, कितना धक्का कर लियो। ठीक से मैं बुझूं तो। मन्ने तो बूझ ली, मन्ने तो नाटे से न्यू बोली ना, मन्ने ना जाना तने तो कि मैं लोभ से, तो मन्ने नु सोचती होगी कि ले बहू लाग गए को नहीं बोलू इस फालतू, तो आप तो बेटे हो जाओ ले जाओ। ठीक से तो तू भी नहीं उल्टा होगा जिस तरह भाभी आई है। ठीक से सुरेश, तन्नर मन्ने तो बेरास है मार प्रिया के बारे में, पर तेरा भाई ना सुने एक लफ्ज भी। भाभी इसने भी समझना चाहिए, सारी माँ की और बहन की सुने तो काम ना चल लिया करे। और कदे भी कह लेनू कहगा तो हम तो छोरी के पीछे पड़े रहो, सो के पीछे पड़ गए हम न्यू बता, उरे वाह आवेगी चाल के वाह लेके जावेगी, पड़ोसी देखेंगे नु कह देंगे बहू बेटा तो ध्यान ना रखते। तो वह तो नु चाव है ने, अक मारी बदनामी हो जा। बेरा ने के चाव से इ ब्याह दी थ्या दी इतनी तो लखन से उसमें, अक नु कह दे मां पहले ये आग आवेंगे तेरे, मैं तो बहुत दूर बैठी सू। भाभी लखन की बात तो करे ना, उस खतर उसने ये चीज तो सीखे ना राखी, बस भाई यही बुराई की स्त्री आवे यह चीज सीख रखी उसने, और इसी ये माँ हो रही है, थोड़ी बहुत भी ना सोचे। ले माँ तो जा बेटी का मोह है, इतना भाई ने देखा ना। ठीक से सुन के चुपचाप देखी कुकरा होगा बिल्ली की डाल। कोई बात ना ले, मैं चाय बना दू हूँ, जाडा हो रहा सचा तो पिए लेगी। माँ नहीं सुनती मैं किसी की भी, प्रिया आओगी प्रिया जाओगी। मैं क्या कहूँ था, मैंने बुंडी ना लागती माँ। माँ प्रिया के बात माँ बार रंग तो नहीं आती थी पर बाटे देखे थी। बाटे देखो थी बेटी इतनी देर हो गई। माँ नू चांचक फोन ना करा कर, तू सारा काम दम में छोड़ के आई हो, ठंड देख। ए काम तो नू ये चली जागा, ठंड तो हो रही बेटी। और पहले मेरी माँ जरूरी है।
तेरी बात देखो थी मम्मी का भी आओगी ना भाई दुआई दुआ के लेकर आओगी ना फिर इब दुआ लेऊंगी चल राज कौन के घर ने बेटी ये तो सारे भीतर ही हैं देख कसूती बात देखो थी तेरी इस मार में भीतर भी ना बैठी रजाई में मखवा आओगी ना मैंने भाई दुआई दुआ के लेकर आओगी के बात माँ भाई भी संभाल कौन करता के ये संभाल तो करे से फिर वह से ना बंदड़ी वाह को ना काम की हाँ जिस तरह ये बकाओ ना उस तरह बुकाई में आ जा है नीरे कच्चे कान्ना का से बुकाई तो आएगा अरे राम राम कित बढ़ रहे थे बहुत मैं लटारियम चढ़े रहो उन्हों कौन देखते है माँ बीमार से दौरा बैठा थोड़ी बहुत देर नहीं है के दौरा बैठ लड्डू बन रहे थे ऊपर अगर लगन लिखे थे तू तो गेला पड़ जा अगर आंधे गेला पड़ जा कर देखिए माँ का क्यों कर मुंह उतर रहा है तना कौन दिखता तो जावे नहीं किसी के लके करा भरोसा को नहीं अगली ने हाँ हाँ जावे नहीं दो गरीब बैठे भी कोनी मेरे दो रे प्यार तक कहते कोनी होंगे माँ अगले दवाई दुआ ले आवा जी जी तू आ गई तू पूछ ले प्यार ते तो मैं तो बुझ जाएगी थम क्या ही जोगे और तो के मैं नाना पड़े बात बात में काम छोड़ के आऊं तेरा जिज्जा भी रोले करे था रोले क्यों कौन करेगा जिसी आपकी माँ का ध्यान रखे है जिज्जा की माँ का भी ध्यान रखा करे ओ रहन दे तन्ना गणा बेरा है के ध्यान रखू के ना किसी चामुंडी मिल रही है मन नहीं बेरा सा उसका हाँ बली लुगाई नगी का छोड़ा कम बोल रहा कर ना कम तो क्या तो बोल रहा है एक हाथ की जबान हो रही है आगी प्रिया आगी आऊ ना के करूं और ठीक से ना ठीक कह सू प्रिया क्यों गला पाड़ लाग रही नु तो बता दे अरे इनने तो मैं के कह दू पर तू के माने दिखा कौन ला सकता डॉक्टर के मां तो बुझी थी मैंने बोली प्रिया होगी जब दोनों साथ चलेंगे क्यों भाई ढंगता बोलिया करो दो घड़ी बैठे सह के तू कदे माँ का दौर है अब प्यार तो बतला हो के इस तरह के तो चौबारा में चढ़ जाएगा और के उत्ता स्पीटन चला जाएगा कि मैं सह दूसरा काम तने काम तो सह बेबे पहला काम चौबारा में चढ़ने का दूसरा काम ताश खेलने का ठीक सह घड़े बात के लफोस रहे ना तारो चल माँ डॉक्टर के चलना चल बेटी मैं अरे हाँ क्यों इवलक तेरे पा कट रहे थे मेरा आंदे जान आई है कि तेरे में अरे भाभी रोटी बना लिए कोटी कड़े पोके ही ना मैं तो वहाँ आ गया दम में भाभी आलू के परांठे बना दिए भाई बाना खतर आलू के परांठे कोनी भाइया खतरे हैं इसके पीर आले आ जाए ना जब तो चाहे रात दी रात में उठ के बनाने पड़ो बनाओगे आलू के परांठे या चल मां देख लिए भाई बाण के तेवर तेरे और ही थी अक मां मेरी मानना है चली गई ना मां की दो रोटी अरसीवा पानी थरकतर बोझ हो रही है जब सुना गई हवा क्यों मार पे बोझ क्यों हो रही है सारा काम करूंगा आगा गए करे से निमानू थोड़ी बिड़ावे 24 घंटे अच्छा काम गलती भी मारी है से भाभी सारा काम करके दे है अंदर करके दे है हां भाई तन्ने के दिखे से तू तो माम है और भाण का प्रेम में आंधा हो रहा है एक बात बताओ प्रिया कह के चली गई नू बोली परांठे बना दिए बता कद को निमाने मनस को कहना जो मुंह मत काटे वो एक काम कर दियो गाऊ तो गाऊ भाभी यही तो गलती करन लग रही है अरे ओ रहने दे तू भाभी का चेला तू चला बैठे रह ठीक से सुरेश तेरा भाई ना मानने ठीक से तू तेरा काम कर अरले मैं रोटियां का जुगाड़ करू सू रोटी ना परांठे बना दिए ये करेगी रोटियां जुगाड़ ले भाई एक तासा ही बाजी मारे हूं कई देर होली ले तास भी खेल लिया रोटियां जुगाड़ हो जा तो रोटियां लेकर की नजर ही है माँ हाँ आ गई ओ तो प्रिया किधर रहेगी गई भाई वह अपना घर ना थोड़े काम से उसने तो एक बार घर ना आ जाती चली जाती फोन आ गया था बटेऊ का जाना पड़ गया था टाइम अच्छा बेचारी वह भी तो फंस जा है उसे भी संभाल है अनिल ने भी संभालना पड़े उसने फिर क्या बताया डॉक्टर ने बताया कि टिक्का लगा दिया और दवाई दे दी ले जाओ नु के दवाया को तो अच्छा बंडल बांध दिया और मैंने बोला मां हां तुम 5000 रुपए देओ ने अरे मैं कितने दे दूं मां और दिन तो पिलसन लेके आई थी कित गए अच्छा पिलसन लेके आई थी तो थारा कर्जा भी तने लाग दूं मैं मां ईसा के कर्जा तैयार दिया तने मांगने चक्कर काते घर में मैं रहूं तू तो लिख जाता सब है थारे यो बन सके दिमाग बैठी सुन मैं मातेर का तो कद्दे रुपये मांग ली ये भाषण रहे है कम बोल रहा देख तो मन नहीं मांगे तुम तो नहीं सोचो कि सारे लोग तो अपनी छोड़ ध्यान दे है यह बात तो कही को नहीं मामा ने क्या लग रहा अब ना करे तो तेरा कुछ बाबा में है तो बोल बोल लग रही ये छोड़ बोल लग रहा
बाल अभी मन सुख कहाँ होंगे भाई के बात फिर कित पूछा दी तन्ने पूछाई सर दवाई से गया है वे है किन्ने तो दवाइयों में लाल जा है किन्ने थागा में फूक दो मैं तो छोड़ जाने के दो आवे जब 50 रुपए मुश्किल तो दिए जा है और थागा दान हो जा है के थाले भर भर के दे कपड़े के और नोट दे दे है देख ले नू कहती बीमार छू देखा तेरा पट पट कपड़ लाई है छोड़ तो आएगी सी आज अरे तुम्हारा तो बोले क्यों लोगों सुनाने लग रही है हाँ लोगों ने मैं सुनाऊ क्या तो इसी बात बोल लिया करे पल्ले सावे लगाना चाहिए मेरे मैं तो जितना उतना करण लग रहा हूँ आज करे से तू करे है यो मैं दो सारी पीछे खसोट लेगा आगे दिमाग में दमाग लग जाएगा ठीक से बहन होगा होगा सारा के इसे तो पीछे मिले को नहीं मिलने सुसरा दे दो इनका बोबा भर दो सेवा तक होनी जानी नहीं इन पे अरे भाई सुरेश फोन ने बाद में लिए ऊंचा पप्पू ने 5000 रुपये लिया मेरा नाम लेकर मैं क्यों ले आऊं अरे एक बात बता दूसरे अब क्यों मांगदा अंडा है माँ बतेरे रुपये दाब रही है माँ पे ले ले भाई माँ 2 रुपये मांगे थे बोली खर्च हो गए सारे भाई खर्च ना हुए हैं सारे पैसे माँ है ना प्रिया ने देवा है मेरी बात सुन रहे प्रिया का नाम बीच में लेने की जरूरत नहीं है ठीक से ठीक से मैं तो क्या नाम लू था मांगे जाओ लोगों पे और तारे जाइए फिर कर्जा भाई मैं तो और किसी 2 रुपये मांग लूंगा वह भटक मत ले पर माँ की पिलसन में ना प्रिया ना गोले ठीक से भाई मैं तो क्यों भड़क लू था सारी भड़क तू राख तेरी पर एक दिन है ना पछतावेगा अरे तू जा ना किस गल मत थमाना गया मैं किस जाऊं जा तो तू लोगों का कर्जा ठाण में भाभी हो गया सारा काम बस लाग रही सूं ठीक से मैं तो आ गया और बाजार में जाओ ना तो मैं चल लूंगा आपके गिल है वो बात का कपड़ा कपड़ा ले आना है चाल तो पड़ेगा सुरेश फिर मन जान कौन देश है माँ तो नाट्य थी माँ का नाट्य क्यों है उड़ेनू है भाई जागा तो माँ गाप के एक बिना चालन दे और इसी माँ हो जाएगी कह तो दीनू बोली मेरे साथ तो छोरी जावेगी तू के करेगी ये बता मैं जी हूँ सू बात का कपड़ा लेने छोरी आओगी है बस तन तो बेरा इस घर में किसकी चाल है और कितनी चाल है बतेरे दिन चाल ली माँ तो रही है पागल ठीक से तो तू तैयार हो लिए आप दोनों चाल पड़ांगे भाभी अपन कितने जान दे थी वाह उन्हें पैसे ना दें दी और कपड़े खतर पैसे दे देगी गेल जागी नू तो ठीक कह देवर ले देखी जागी जो बनेगी और बेरा तो सही के बननी है ठीक से भाभी जो इतना बच्चा कुचा काम से यो निपटा ले और फिर चाल पड़ांगे ठीक से माँ आ जाओ इबे आधे क्या तो रुक के मारन लग रहा है रुक के भी ना मारू लेट होने लग रहे हाँ तेरे तो किसने कही है चालने की लो तैयार होगी मैं भी चलो बाहर हो वैसे और माँ राम राम बे राम राम और ठीक से सुरेश से हाँ मैं ठीक सुन बे माँ हाँ तो अड्डे पर तो दुखी होन दिया यू कती बुझ जा ना बस आए फोन कर देती फिर एक है ना बस मखा के फोन करूंगी सारे गणे बिजी रहे जा है चल तू बार ना करे गणे चल तो हाँ चलो थम के चल रहे हो या छोरी जान लग रही इतनी दूर तो नोई बाजी से या तुम माँ तेरा के काम से आए प्रिया लत्ते कपड़े लाओ सो मैं भी चाल पड़ूंगी तने ज्ञान से कहेगा तेरे पता 100 रुपया की रमाली कौन खरीदी जांदी तो प्रिया किते लेकर नहीं जाओगे तो ज्ञान को कराओगा ओ भाई इब्बा माँ बैठी से ज्ञान बटन ने और करण धरण ने आकी इब्बा सारी चौधरी इसके हाथ में दुआ है तू माँ बैठी से तू बैठी है छोरे बहुत बोलने लग गया है माँ एक तो अपना काम छोड़ छोड़ा हूँ फालतू तो सू कोनी मैं फालतू कोनी भाई मैं करती सो काम रहे मन्ने भी बेबे फालतू हमें हाँ जो सब सारा काम छोड़ की ने और तैयार हो रहे छोरे इतनी बेइज्जती भी ना करे छोरी की माँ जरिया ये बात सुनाने ने बुलाई थी तो मैंने फोन पे सुनवा दे रे जी जी चुप हो जा तू भी चाल अरे मैं भी चाल पड़ूंगी सुरेश गैल चाल पड़ेगा और सर कौन जा हम दोनों आप पे चले जाएंगे ना इन ने बना दे बड्डी इसके हाथ में देते सबकी मैं आज पहले इससे मैं कहा दे कौन रखे अरे यार ऐसा नास की जड़ बितल न मर ले के ये ले देंगे तेरी भी चल मातावली क्यों गणी वार रे ये छोरी तो नाश करवा के मानेगी इस घर का दो घड़ी लेट जा आमा लिए बात के कपड़े और बेटा
तन बेरा को नहीं तेरी बान का सस्ता कपड़ा और बड़ी आम दुआ कर गई है। मेरा पीछे डिंपल पड़ रही थी, मैं जाऊंगी मगर तन्ने ज्ञान को नहीं, मुझे इतना प्रियन ज्ञान से उतना ज्ञान तन्ने है ना। और मैं भी सुनू एक कौन थी के तन्ने ज्ञान को नहीं, ठीक फिर वो मन में तो को नहीं। चलो बढ़िया करे मां लिया है तो। और के और बता के कर रहे हो तुम? बस मैं तो हाथ मारते ठीक से मारी तू मुझे पूछ लियो किसा के लिए है कपड़े। बढ़िया लिया ही और शुक्र मान छोरी आ जा है, बेचारे ने टाइम भी कोनी, सारा काम धंधा छोड़ कर ना अपना आओगी उरे सारे काम वही करवावे है। हां मां कितना का बजट बैठाया ही? बजट तो बेटा बिगड़े गया, जितनी तनख्वाह थी उतनी तो लगाया ही, ऊपर और लग गए। फिर भी ऊपर कितने के लग गए? अरे 50-55 हजार लग गए। अरे ठीक से तू चिंता ना कर, मैं बैठी सुना। मां तू तो बैठी से पर चिंता मैं ना करूं तो और कौन करेगा? कोई बात को नहीं, कि मैं तू साधन लगाइए कि मैं लगाऊंगी। ठीक से मां। इब किसका फोन आ गया? तेरे तो है फोन आते रहे है जब भी देखो। हाँ ता साला का फोन आया होगा, निगर जे इब्बे ले मां कितने कौन जाता। हाँ इब तो समझ ले ठीक आगे सही रहोगा। मां मैं तो घर ने देख के चल रहा हूँ, वो डिंपल नर्सरीस ने समझा दे थोड़ा बहुत। इब्बी मैं समझा दूँ तू और बड़ा हो रहा, तू नहीं समझा सकता। मेरी कोई मानना भी तो मन तो नूडा दे हवा में। तो बस फिर मन ने के समझे है, मन तो सीधा जवाब दे दे मुंह पे। अपना आप समझ जाएंगे ये तो समझ नहीं लिया कि मेरी लीजा है और माँ की मेरी लीजा है, मारता हम तो मारत की सह को नहीं तो थारी के मेरे ले वे है सो तो मेरे लेन जोगे। सब की प्रिया मम प्रिया कर रही है फिर भी शर्म को नहीं आवे छोरी के पीछे हाथ धो के पड़ जा है या छोरी टाइम पे काम आवे है, थम तो सारे हाथ ऊपर उठा दे हो। मां मेरी गिनती तो नून में कर दी सारे एक से हो थम छोरी ने छोड़ के ने। ठीक से मां तेरे तो कई तरह ना जीत्या जा, मैं तो चल लिया। चल ले गाई भी ढंग की बात कह दी तो ले दो घड़ी आराम करू मैं तो अपना। मैं तो सारे टोंदा टोंदा मर गया, जिम का सारा सामान अड़ गया रह गया, नूना दे पर खर्चा भी लाग गया है। सुरेश हाँ भाभी के कर है? कुछ ना यो सामान काढ़या है स्टोर में गिर रखा सारा। इसने तो छोड़ और मेरी बात सुन। हाँ तने बेरा है घर में के चल रहा है? ईब क्यों गया भाभी? मालक तेली आई और तेरा भाई बुझा था अक माँ कितना खर्चा हो गया, बेरा के बोली माँ उस तें के बोली न्यू बोली भाई 50-55 हजार खर्चा हो गए और न्यू बता लत्ते मन ने भी देखे थे वो बैग इतने तो ना थे आ कितने रुपये लग गए, 15-1 हजार के लत्ते ले आई होगी और देख कितना फालतू बताना लाग रही से। भाभी माँ तो है ना भाई नू दिखाना चाहो है अगर इस घर में जितना खर्चा लग गया है ना वो मैं लाऊ हूँ और थोड़ा ना लागता खर्चा। और ऊपर तो बड़ाई प्रिया की वाह और रहेगी अक सस्ता कपड़ा दिवा के लिया इसे मन्नत नू लागन लाग गया और प्रिया बाजार में लेके जा है ना अक सारे तो कमीशन बांध रही है। बेरा ने के बात से मैंने तो न्यू ही समझ में ना आती, रोज चौथा दिन आई रहा अपना घर छोड़ के है खुद का घर में काम थोड़े से के काम में तो कौन आ न्यारी होकर बैठगी दो धनी वीर से क्या काम रह गया। बल्कि उन्हें तो समझाना और चाहिए माँ ये तेरी बहू से इसने सिखा घर की ऊपर संभाला कर, एक तू नू बता इस घर में उसका के रह गया मेहमान की तरह, आओ रुको 4 दिन और जाओ राजी राजी। एक बात बताऊं भाभी जमाने ये बात समझान लगी ना तुनू बता उसकी चौधर कुकर रहोगी इस घर में, अगली तो चौधर की भूखी से। तो फिर इतनी तो हम भी इज्जत करा हाँ सारी बुझा हाँ उस तक कुकर के करा। भाभी कोई फायदा को नहीं इसी तो माँ हो रही है भाभी, फिर यानी इस चीज का अंदाजा को नहीं अगर उसकी मह के कारण उसकी भाभी की कदर उसे घर में घटती जान लाग रही है। ठीक से देवर करण दे उसने जो करण लाग रही से मेरे किम में फर्क ना पड़ता, मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगी। भाभी एक बात बताऊं वो कया करे जो इंसान सब ने संभाल लेने उसकी कदर ना रहा करती, पर प्रिया ने वो एक काम तेरे गिल करवा रखा है। देवर क्या कहना चाहे तू मैं समझी को नहीं। भाभी वो जिस तरह रफ कापी माँ पे सारे सवाल लगा कौन काट लिया करा और जिस टाइम उसका काम खत्म हो जा सबसे पहले वह कापी बगाई जा करे नुए घर ने संभालनी आदमी ने है साइड में कर दिया करे काम लिखट दे, और वो एक काम तेरे गिल कर रखा है मानर प्रिया ने। ठीक से देवर
उनकी करनी उनका आगा आओगी, मेरी मेरा काम आओगी। अरे के करे थल्या मैं संगवा दूं? कोई ना भाभी, सारे दिन काम लागी रहे, दुखी होई रहे, माँ का तो यो सुख भी कोनी, अक्की में सारा लगवा दे काम का। ले ठीक से कर ले तो। डिंपल माँ आई के करो थे? कुछ ना माँ, मैं तो वहीं खड़ी थी, सुरेश दर बात करूं थी। ले यह साड़ी लेके आई है तेरे खातर, ले तैयार करवा लिए। मैं के करूंगी माँ, प्रिया तो दे देते। आए नू क्यों बोलने लग रही है, प्रिया तो जो देना है दे देंगे, तेरी है तू तैयार करवा ली इसने पकड़। माँ मन ने यो रंग अच्छा ना लागता था, मैं रख लो। अरे बेटा देखे के कमी से इसमें प्रिया ने पसंद करी है। माँ भाभी भी तो प्रिया की पसंद थोपेगी के, इसने भी तो कोई चीज पसंद ना पसंद होगी, इससे भी पूछ लियो। अरे ठीक सब भाई, थमने तो छोरी बुंदी इतनी लाग गए है। आए माँ छोरी के बारे में तो हमने कि मैं कौन कही, सारी बर्दाश्त करने लाग रही सा। रहन दे, साफ साफ मना कर दिया, इबनू का बर्दाश्त करूँ हूँ। माँ ने तो कही थी मने अक साथ ले चल, मैं भी मेरे पसंद के कपड़े खरीद ले आऊंगी, पर थम लेकर ना गए। क्यों साथ जाकर के ले आती सा है? जिसा उसने ज्ञान सने तन्ने को नी। ठीक से माँ। क्या बाल्टी लाकर बुड़ली लेकर गई थी, देखिए क्या हाल मचा रखा सा इसका। बिब्बी। अरे राज ठीक से? हाँ ठीक सु। और बता। मैं तन्ने लेने खातर आया हूँ, महीना रोवर खातर साल अपने करने। मने लेने खातर क्या था? अच्छा तने बेरा कौन जने? माता ने हर काम माँ घर रख है और तू उसकी जात भी ना पूछी भी। भाई परसू तो मिल के आई सुर है, ईसा तो है कौन, एक बीमार हो पछ में गई है ना, दो चक्कर मारे ही। कोई बात को नहीं, महीना भर खतर और चलता। अरे तो मैं क्या करूंगी महीना भर ने, किसी बात करा है तू राज, तने बेरा है ऊ मेरा न्यारा काम, मैं चली जाऊंगी तो तेरा जीजा की रोटी भी खुंड जाएंगी, बुटली की रोटी दे इस तरह देगी ना। दे भाई तने ना बेरा, कदे मन ने दी और तो बात दे, और फिर भाभी रही करण ने इसा टाइम पर तो भाभी है काम आवे। अच्छा कह तो तुनू है जन, तेरी भाभी का बेरा है कोनी? अरे नू तो बेरा है, पर करना तो उससे ना है, चाहे किसी भी हो। पर बाण माँ तने फालतू मानने से, और माँ ने गालिया सुमे, और तू मेरे साथ चल। अपनी बाण बेटी ने सब फालतू है मान्या करे, समझ गया? और भाई मेरी पार ना पड़े, कितनी बार कहूं तेरे, माँ का करण रहे थम सारे कर लियो, के किसी का बिसर से, और वो के एक जमाए हाथ पा काम कौन करते, थोड़ा बहुत आपका खुद भी कर सका ऐसा माँ। तेरे तो जवान बहुत घनी चलने लगी। अरे भाई तू आया है कि मैं चाय पानी पियोगा कि नहीं, नहीं बता दे। ना बस हो रही चाय पानी, मैं तो तन लेने खतर आया हूँ, तू चल। ना ना भाई मैं कौन जाऊँ, साफ सुथरी बात यास है, मेरा घर खुंड है, इतने इतने दिन पार कौन पड़े, एक आधा दिन की बात अलग हो है। और माँ नाराज होगी तो? माँ का क्या नाराज होना था, माँ ना कौन दिखता, छोरी का घर लाग रहा है, माँ नाराज होगी तो कह दिए तू माती जा। एक एक महीने जाडा मेरे पर काम हो से, उड़े तो गुदड़े में तो मैं 10 बजे उठू। एक गिलास गरम पानी दे दे, एक घंटा लग गया के पानी गरम होने में। माँ हाँ तेरी आन तो दे दिया जवाब, नूली मैं ना हूँ, एक महीने मेरी पार ना पड़े, मेरा भी घर से। अरे नू किस तरह बोल ली छोरी आज, वह तो कह दे आ जाया करती। माँ ये बेरा लग गया, वह तेरे खेतर ना आया करती, वह तो नू सोच का आया करती, अब जाऊँ और माँ पकी मैं 200-400 रुपये मार ले हूं। सेवा करने का टाइम आने करके ना हाथ खड़े। फिर क्या हो गया तो सुरेश, मैं रही माँ की सेवा करने, जिस दिन अपना घर संभाल लो, ले माँ पानी पी ले। तेरी सेवा थोड़ी दिक्कत है भाभी माँ ने। अरे चल माँ डॉक्टर के चल। चल लांगे भाई। ना इबी प्रिया ने बुला ले, प्रिया आ जाएगी। बेटा हाथ जुड़वा, चाहे पैर भी जोड़ दो था राग कर, मैं गलती होगी मेरे ते, मरना को नहीं बेरा था, मेरी बहू है मेरे काम आओगी। माँ बेटी घने दिन काम ना आया करती, अरे बेटी का ब्याह कर देना तो पराया धन हो जाया करे। अरे बेटा भूल गई थी मैं, छोरी पर आया धन हो गए है, अरे देख आज जोड़ू हूँ ना, तो माफ कर दो। माँ हमने की प्रिया बुढ़ी लग गए से, पर है ना देख
अच्छा ना लगे थोड़ा सा, रोज रोज आई खड़ी रहे, पड़ोसी भी क्या सोचते होंगे, अख हम मारी मां ने घुसते ही कोनी। हाँ बेटी, तो प्रिया के चक्कर में भाभी ने भी भूल गई थी, अब तेरे घर में बहू भी आ रही है, तो तनु सोच रही थी अब यही घर की नौकर से। ठीक है सर बेटा, ये मेरे समझ में आ गई, इस बहू ने बेटी की तरह मान लूंगी मैं। बस माँ एक तू खड़ी हो और डॉक्टर कैसा दवाई ले क्या पहले। अरे भाई गलती मेरे तभी हो रही है, मैं भी प्रिया नाग लेकर चलिया करता, शनी मैंने माफ कर दिए। अगर आखन ने कि हम नाटा सा इस घर की छोरी से, इस घर पर उसका हक से, पर वाह बात से सारी चीज लिमिट में होनी चाहिए, जब लिमिट क्रॉस हो जाए ना तो ना से होया करे। ठीक से बेटा, ठीक से माँ, डॉक्टर का चल चल भाई। हाँ दवाई दवा लो भाभी, ले जा भाई के ले। ठीक से चल डिंपल तू चल चल माँ, एक तो ले जाई भाभी ने। अरे बेटा ये तो मैं इससे नहीं पूछूंगी, हर काम में ये डट जाएगा के घड़ी घड़ी टांग खचेगा। ठीक चलो चलो ए रहा।